हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे जोर से, देखो राधा रानी का महल ऊपर है, माता का वाच आनी चाहिए जोर से। गुरु वैष्णव के अनुगत्य में अभी हम जिस स्थान पे आए हैं, इस स्थान का नाम है सांगरी घोर। क्या नाम है? हाँ, ये बड़ा विशेष स्थान है, यहीं से हम प्रवेश करेंगे प्रसाना की ओर। तो यहाँ की एक बड़ी विशेष लीला है, ध्यान से श्रवण करना। अभी देंगे द्रौपदी को, तो यहाँ पर भी एक विशेष लीला भी है। देखो अभी हम लोगों ने श्रवण किया, भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन ब्रज में उल्टा है। ब्रज में जो भक्त है ना, वो भी भगवान की इच्छा पूरी करते हैं। जब भगवान कृष्ण, जब उनका जन्म हुआ गोकुल में, तो भगवान कृष्ण ने देखा कि सारी की सारी गोपियां 84 कोस पूरे दूर से सारी गोपियां आ रही है, और 84 गज के लहंगा पहन के बड़ा सुंदर ब्रज में उत्सव हुआ, नंदोत्सव हुआ। सभी लोग अपने घर से क्या लेके आए? माखन, मिश्री, दूध, दही। और क्या हुआ? वहां दूध दही माखन की होली खेली गई, और इतना दूध दही माखन हुआ कि बताया गया वह नदियां बह गई, दूध की नदियां बह गई, मक्खन की नदियां बह गई, और इतना सब लोग क्या करने लगे, एक दूसरे में दूध से नहला रहे, माखन डाल रहे। अब कृष्ण क्या, छोटे से बालक है, कृष्ण सोच रहे मैं तो बैठा हुआ हूं, और ये सब क्या कर रहे हैं? होली खेल रहे है। कृष्ण की इच्छा हुई कि मैं भी होली खेलूं, जैसे दूध दही में नहा रहे, काश मैं भी ऐसे नहाऊं, मैं भी क्या करूं, इनके ऊपर दही डालूं, दूध डालूं, और ये भी मेरे ऊपर दूध दही डाले। अब कृष्ण के मन में इच्छा तो हो गई, उसको पूरी कौन करेगा? तो कहते हैं भक्त की इच्छा कौन, भगवान की इच्छा कौन पूरी करता है? उसके भक्त पूरी करते हैं। गोपियों ने कहा कोई बात नहीं कृष्ण, थोड़ा बड़ा हो जा, तुझे हम बताएंगे, तेरी बड़ी इच्छा हो रही है दूध दही में नहाने की, तो हम तुझे नहलाएंगे, फिक्र मत कर। तो ये जो साकरी घोर है, इसके लिए कहा गया है प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समय। ये प्रेम गली है, इसमें एक ही व्यक्ति एक बारी में जा सकता है, दो नहीं जा सकते। तो कृष्ण और जो उसके सखा थे, उन्होंने इस बात का बड़ा फायदा उठाया। वो क्या करते थे, यहाँ पे बैठ जाते थे टोल टैक्स के लिए, कि भैया जो भी यहाँ से जाएगा उसको टोल टैक्स देना पड़ेगा। टोल टैक्स में क्या देना पड़ेगा? दूध दही माखन, गोपियों के पास क्या यही तो धन है। तो अगर तुम यहाँ से जा रहे हो, तुम्हारे पास 4 मटकी है, तो 2 मटकी हमारी और 2 मटकी तुम लेके जा सकते हो। लेकिन कृष्ण और कृष्ण के सखा क्या करते थे, दूध भी पी लेते थे, दही भी पी लेते थे, माखन भी खा लेते थे, और गोपियों को जब जाने लगती थी तो क्या करते थे, कंकड़ लेके उनके मटके फोड़ देते थे। गोपियां कहती कि चलो सब तो ठीक है, तुमने दूध भी पी लिया, दही भी खा ली, माखन भी चोरी कर लिया जैसे तैसे करके, लेकिन क्या है तुम मटके क्यों फोड़ते हो, है हमारी जो सांस है ना, हम घर जाते तो बड़ी हमें डांट पड़ती है, अरे कम से कम मटकियां तो मत फोड़ो, दूध दही पी लिया कोई बात नहीं, मटकियां तो मत फोड़ो। तो कहते हैं मटकियां क्यों फोड़ते कृष्ण, इस बात को समझना। तो कहते हैं मटकी फोड़ने के कई कारण है। पहला कारण ये है कि जो मटकी है ना, ये जड़ मटकी है। हम क्या है, उनकी क्या है, बड़ी आसक्ति है गोपियों की, मटकियों में बड़ी आसक्ति है कि मटकी ना फूट जाए। कृष्ण कहते हैं भैया मैं जिसे प्रेम करता हूँ ना, मुझे बदले में प्रेम चाहिए, अगर मुझसे प्रेम नहीं करोगे ना भांडा फोड़ दूंगा मैं, अगर तुम मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तुम मुझे प्रेम नहीं करोगे ना भांडा फोड़ दूंगा मैं। इसलिए क्या करो, तो गोपियों की आसक्ति किसमें, मटकी में, बड़ा ध्यान किसमें, मटकी में, कि मटकी ना फूट जाए, बड़ी कमजोर है, संभाल के रखना है, सांस डांटेगी, और वो मटकियां कहे बड़ी बड़ी पुरानी पुरानी मटकियां हैं, तो इसलिए क्या करते हैं कृष्ण मटकी फोड़ देते हैं। दूसरा कारण, कृष्ण मटकी क्यों फोड़ते हैं, कहते हैं जो नंदगांव बरसाना इत्यादि में जो बड़े कुम्हार है ना, बड़े परेशान रहते हैं, कहते हैं हमारी आजीविका कैसे चलेगी, ये गोपियां मटकियां क्या करती है, संभाल के रखती हैं, और ऐसी मटकियां हैं कहते हैं इनके दादी परदादी सासू दादी बनी, इतने जमाने जमाने की मटकियां इनके पास, और घी पी पी के बड़ी मोटी हो गई है। अब कुमार जो है बड़े क्या कर रहे हैं, वहां बैठे बैठे मक्खियां मार रहे हैं, कह रहे हमारी मटकियां नहीं बिक रही, ये गोपियां मटकियां बड़ी संभाल के रखते हैं। तो कृष्ण को दया आ गई, कृष्ण ने कोई बात नहीं, तुम्हारा बिजनेस मैं चलाऊंगा, तुम मेरा ध्यान रखना।
तो कृष्ण क्या करते हैं, मटकी फोड़ देते हैं। तो इस प्रकार क्या करते हैं, कृष्ण कहते हैं कि भैया तुम्हारी आसक्ति इस जड़ मटकी में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं ये फोड़ दूंगा। और जो ब्रज की रज है ना, वो भी भगवान से प्रार्थना करती, प्रभु आप तो क्या कर रहे हो, ये पुरानी पुरानी मटकियों को अपने रसादन करा रहे हो, उनको अपना उदरपान करा रहे हो, उसमें अपना हाथ प्रवेश करके उन मटकियों को स्पर्श कर रहे हो, और हम ब्रज रह जाए हमें कब प्रवेश मिलेगा, आप क्या करो इन जल्दी जल्दी पुरानी मटकियों को इनकी इनको रिटायरमेंट दो, और हम नई नई जो माटी है हमें क्या करो, नई नई माटी हमसे मटके बनवाओ। भगवान कृष्ण कहते ठीक है, तो वह मैं भी अवसर दूंगा। इसलिए भगवान क्या करते हैं, सारी की सारी मटकियाँ फोड़ देते हैं। अब अपने साथ जो सखा को लेके आते हैं, उसमें लेके आते हैं प्रधान होता है मधुमंगल। तो मधुमंगल को बोला, मधुमंगल हम जाते हैं रोज क्या करने, टोल टैक्स लेने, तुम हमारे साथ आओ। मधुमंगल ने कहा देखो ऐसा है, मैं ब्राह्मण बालक, तू है चोर, तू चोर है, तू चोरी करेगा, मुझे मत बोल, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा बहुत सम्मान है, मैं तेरा संग नहीं करूंगा। तो कृष्ण ने कहा देख भैया, अगर तू मेरा संग नहीं करेगा तो क्या करेगा, कहता मैं गलत व्यक्ति का संग नहीं करूंगा। तो कृष्ण ने कहा देख मैं गलत व्यक्ति हूँ, चोर हूँ, कहते हाँ, कहते तू ब्राह्मण है, कहते हाँ, तो कह रहे मेरा संग कर, कहते क्यों संग कर, कह रहे अगर मैं दुष्ट हूँ तो मेरा संग नहीं करेगा तो मैं सुधरूंगा कैसे, कहते हाँ बात सही है, कहते तू कब संग करूँ, कहता जब मैं चोरी करने जाऊँ तब मेरा संग कर, कहते ये क्या बात थी, कहते जब मैं चोरी करने जाऊंगा तभी तो संग करेगा ना, तो मुझे पता चलेगा कि चोरी करना गलत है। मधुमंगल ने कहा ठीक है, तो मधुमंगल को तैयार करके वो सारे गोप को लेके यहाँ आ गए और गोपियों का रास्ता रोक दिया। गोपियां जो परेशान हो गए, गोपियों ने बोला हम तुम्हें टैक्स नहीं देंगे, तुम कौन हो, कहते अरे तुम नहीं जानते मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, कहते तुम यहाँ का राजा कैसे हो गए, कहते यहाँ की जो रानी है वो है वृंदा देवी, मैं उसका कौन हूँ, पति हूँ, मैं उनका पति हूँ, उसने मुझे वरण किया है। उन्होंने कहा ठीक है, वृंदा देवी को बुला के लेके आते। उन्होंने क्या किया, रास्ता छोड़ दो, थोड़ा रास्ता छोड़ दो, तो उन्होंने क्या किया, रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो, उन्होंने क्या किया, उनको बोल दिया कि ठीक है वृंदा देवी, अगले दिन वृंदा देवी को बुला लिया, और वृंदा देवी आई और उनसे पूछा कि ये बताओ ये कृष्ण के तुम्हारे क्या लगते हैं, कहते कृष्ण कहते कि तुमसे तुम कृष्ण को प्रेम करती हो, कहते कृष्ण कह रही मुझे दुनिया में और कोई वर नहीं मिला क्या, कह रही इतने काले से मैं शादी करूंगी, कह रही जिसने अपनी मौसी को मार दिया, जिसने मामा को मार दिया, मेरा तो उससे कोई संबंध नहीं है, तुम क्या करो, ये झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा अच्छा, तो अगले दिन सारी गोपियों ने कहा अब हम क्या करेंगे, कृष्ण को इसकी दंड देंगे, कहते ठीक है। तो सभी गोपियों ने क्या किया, ये पास में देख रहे बड़े सुंदर सुंदर कुंज है, इन कुंज के अंदर सबके सब गोपियां छुप गई, प्लानिंग कर गई कि जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ आएगा सारी की सारी गोपियां क्या करेंगी, उनमें आक्रमण कर देंगी। और दो तीन गोपियों को उन्होंने उनके सर में मटकी रख के इधर से आने दिया। जब दो तीन गोपियां इधर से आ रही हैं, तो कृष्ण और कृष्ण के सखाओं ने है इधर से आ रही हैं, तो कृष्ण के और कृष्ण के सखाओं ने देखा कि गोपियां तो आ रही हैं, और सारे के सारे गोप ने उन्हें घेरे लिया कि अब क्या करो, हमें टैक्स दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने क्या किया, बिगुल बजा दी एक प्रकार की ध्वनि की, जिससे हुआ क्या कि सारी की सारी जो गोपियां कुंज में छुपी हुई थी वो सबके सब यहां निकल के आ गई। और उन्होंने जब उन्होंने देखा सखाओं ने कि भैया ये तो बहुत सारी गोपियां हैं, ये तो हम पे भारी पड़ जाएंगी, सारे के सारे गोप भागने लगे, लेकिन उन्होंने दो व्यक्तियों को पकड़ लिया। क्यों, मूल किसको पकड़ना था, कृष्ण को, कृष्ण को घेर लिया। दूसरे जो मधुमंगल थे वो बड़े मोटे थे और वो भाग नहीं पाए, इसलिए वो भी पकड़ में आ गए। तो सारे भाग गए लेकिन दो सखा पकड़ में आ गए। अब सखा को पकड़ में आ गए, अब क्या करें, उनको बोला कि इधर इनको दंड दो। क्या दंड दो, तो उन्होंने क्या किया, मधुमंगल ने कहा मेरे पास मत आना, तुम्हें श्राप दे दूंगा, मैं ब्राह्मण हूँ। उन्होंने कहा अच्छा श्राप देगा, आ जा। और मधुमंगल की चोटी पकड़ी और उसको रस्सी बांधी और इसी पेड़ में, इन्हीं पेड़ों में उसको टांग दिया, और मधुमंगल रोने लगे। और कृष्ण को बोला कि इधरा, तूने रोज हमें दूध दही मक्खन में भिगाया ना, आज क्या करेंगे, हम तुझे भिगाएंगे। और उन्होंने कृष्ण को यहाँ बुलाया और गोपियों की ड्रेस लेके आए, बड़े सुंदर गोपी ड्रेस लेके आए कृष्ण के लिए। और कृष्ण को बोला अपने सारे कपड़े उतारो और क्या करो, ये धारण करो, लहंगा चोली पहनो। अब जब मधुमंगल कह रहा है कृष्ण मेरी चोटी, मेरी चोटी, कृष्ण कह रहे भैया तेरे चोटी की पड़ी, मुझे धोती की पड़ी। और उन्होंने कहा नहीं, और क्या किया कृष्ण को, धोती पहनाई, वो लहंगा चुन्नी पहनाई, बड़ा सुंदर से कृष्ण का सिंगार किया, उसके सर पे मटकी रखी और बोला गोपियों की तरह चल के दिखा। कृष्ण क्या कर रहे हैं, ढुमक ढुमक के गोपियों की तरह चल के आ रहे हैं, और गोपियों ने लिए पत्थर और क्या किया मटकी में मारे, और कृष्ण पूरे दूध दही में उनका स्नान हो गया। एक
हाँ, और बार 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 कृष्ण को हजारों मटकों, हजारों दही, हजारों मक्खन में क्या किया, कृष्ण को नला दिया। तो क्या किया भक्तों ने, भगवान की इच्छा पूरी की। तो ये जो स्थान है बड़ा विशेष स्थान है, तो भगवान कहते हैं कि जो गली है इसमें एक ही प्रवेश कर सकता है। इसका कहने का अर्थ क्या है कि अगर हमारी आसक्ति संसार में ना, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसा भी कर लो, तो कहते नहीं, जब तक हमारी ठाकुर जी में, राधा रानी में एक निष्ठता नहीं होगी ना, तब तक हमें उनका वास्तविक प्रेम प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हम स्थान में आए, इस स्थान का महात्म है, अभी हम गुरुवर्गों से और सुनेंगे, ठीक है। पिता ही गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल, श्रीमती राधा रानी।